गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 7 बजे से, क्योंकि आज सुबह सुबह उठना इसलिए हो गया है। हम जा रहे हैं मेरे ननिहाल और मतलब मम्मी के मायके जा रहे हैं, तो हम कुमू को भी लेके जा रहे हैं। वहाँ कुमू दिख रहा होगा पीछे। और मम्मी के मायके में ननिहाल में क्या नवरात्रि लगे हैं, तो अच्छा मौका मिला है, तो इसको हम मिस नहीं करेंगे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आज आपको हम दिखाएंगे देवभूमि के कुछ रीति रिवाज क्या होते हैं, देवता देवता जो आएंगे वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो पे बने रहिए और एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी फीडबैक होता है तो आप बताइए ज़रूर। कुबू हाय बोल दो, आप भी गुड मॉर्निंग, जय जय बोल दिया सबको। तो कुमू ने सबको जय बोल दिया, तो चलते हैं। सो गाइस, हम निकल रहे हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया। यहाँ से कुमू और नोनू आ रही है और पीछे बुआ, तो मैं पहले आ गया हूँ ताकि अपनी फरारी को हम पैक कर लूँ मैं। तो आपको रास्ते में मिलते हैं गाइस। सो गाइस, ये है ननिहाल को जाने वाला रास्ता। एक ऊपर को सोमेश्वर को कट गई है, तो हम इधर को कट लिया। मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, कुमू क्योंकि सो रखा है यहाँ पे। तो ये पूरा रास्ता, मैं आज यहाँ से पहली बार आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम। सोमेश्वर को तो बहुत बार गई हूँ, पर यहाँ को फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छी रोड है, इतना मतलब बहुत ख़राब नहीं है, बढ़िया है। हम तो इससे भी डेंजरस रोड में गए हुए हैं। तो गाइज, हम ये इधर मंदिर है, स्वीनी जगह है, यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। बीच में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा टफ था। तो अभी वो कोई मामी आई है, शायद मामी है ना बुआ, भाभी हैं, तो वो आई थी, तो वो कुम्भ को ले गए पैसा। तो और आगे नोनू भी जा रहा है, तो मैं पीछे से वीडियो बनाते जा रहा हूँ। देखिए कैसी पतली पतली सी गली वो हैं, पगडंडियाँ। यहाँ आके गांव का फील आता है मस्त। ये देखिए सामने मंदिर है, वो सामने मंदिर है, देखिए वहाँ पर अभी देवता आते हैं कहते हैं, तो देवता आने का टाइम हो गया, तभी वहाँ पर ये ढोलक उलक बज रही है। तो हम सही टाइम पे पहुँचे हैं, बिल्कुल भगवान ने हमको बुलाया था और कुम्भ को, तो हम आ गए हैं, और साथ में बुआ भी है। देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है बाहर, अच्छा मौसम है, बढ़िया सा। और ये गांव है, यहाँ मार है, थोड़ी मेरी सांस भी फूल रही क्योंकि ऊपर से बहुत, हम थोड़ा सा गलत रास्ते में भटक गए थे, ऊपर थोड़ी चढ़ाई चढ़ गए थे, इसलिए सांस फूल रहा। बहुत टाइम हो गया यहाँ, इतने पहाड़ों में चलने की आदत नहीं रह गई है, लेकिन मज़ा तो यहीं आता है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, इतनी मधुर ध्वनि आ रही है। हाय। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे नवरात्र का लास्ट दिन है, तो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। और मौसम भी आज अच्छा है। आओ तुम फोटो खींचने में। Thank you.
गाइस हम आए हैं सबसे छोटे वाले मामा जी के यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे लिए बनाई है कढ़ी चावल। ऊपर मंदिर में तो हमने पूरी और वो खा ली थी थोड़े नाश्ता के तौर पे। कुम्मू यहाँ पे केला खा रहा है और बुआ यहाँ पे रेस्ट कर रही है। और मम्मी लोग खा रहे हैं यहाँ का खाना। चला तो ये है पहाड़ी किचन यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी लोग खाना खा रहे हैं। अब मैं भी जाती हूँ खाना खाने के लिए अपना। यहाँ पे पहले नानी का वो था, क्या कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में उसे गुआड़ बोलते हैं, यानी कि गाय भैंस को रखने वाला। अब इन्होंने यहाँ पे घर बना लिया। अच्छा खासा बहुत ही अच्छी जगह है, ठंडी बिल्कुल, बहुत ठंडा इधर। वो तो खाने भी लग गई है, चलो खा लेते हैं। अरे यहाँ भी चलिए, यहाँ ले यहाँ ले चलिए, जीते रहो, बहुत बड़े हो जाओ। ये कुम्मू को लगा है अपराध। अब हमारी सवारी चल रही है वापस, आगे से सब बुढ़े चल रहे हैं और जवान को पीछे से ले आए। इतना शानदार व्यू है, लेकिन अब जो ऊपर को जो हालत ख़राब होगी, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। सो गाइस यहाँ ऊंची नीची पगडंडियाँ देखिए। ओ आलू खूब हो रहे हैं यहाँ, यहाँ बंदर बंदर कम आते हैं घेरते हो। और देखिए नोनू और बुआ लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं। अच्छा वो कहाँ रहते मामा लोग? मामा लोग तो मंदिर में भाई। अच्छा अभी मंदिर में? हाँ मंदिर में ना लोग। कितना सुंदर व्यू देख सकते हैं गाइस, पूरा गांव है बढ़िया सा। अब यहां से चढ़ाई शुरू है। अभी एक तो सीधे सीधे हम आ रहे थे तो उतना टफ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा टफ ट्रैक है। देखो बुड्ढे बुड्ढे सब आगे को जा रहे हैं और मैं सबसे पीछे हूँ। अभी हमें चढ़ाई में बहुत चढ़ना है। गाइस ये नियर आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर आपका पत्थरों का मकान है, ऊपर से इसमें पाथर डलेंगे। अभी तो इन्होंने टिन डाली हुई है और ये बहुत मजबूत होते हैं। हमारे घर जो मेरा पुराना घर है वो भी पत्थरों का बना है पूरा, और उसमें ऊपर से पाथर डले हैं, जिन्हें पाथर कहते हैं, ठीक है। बहुत मजबूत है, करीब 100 से ऊपर साल हो गया जो हमारा पुराना घर है। आज भी हल्का सा रिपेयर मांगता है, बाकी इसको कुछ नहीं होता है। इस फाइनली हम निकल चुके हैं और रास्ते में अमसरकोट जगह पड़ती है, यहाँ पर एक पानी का धारा पड़ा था। तो ये बिल्कुल नेचुरल वाटर होता है, आपके बिस्लरी से ही मस्त पानी होता है, ठंडा पानी होगा। तो यहाँ पर हमने एक हॉल लिया है पानी पीने के लिए। यहाँ उन्होंने थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले रही है और पानी भर रही है। धूप बहुत तेज है गाइस इस टाइम पर, लेकिन हम सही टाइम पर आ गए वैसे, क्योंकि शाम शाम को आजकल मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए छुटकी अपने साथ तो हमें टाइम से घर पहुंचना पड़ता है। सो गाइस फाइनली हम
पहुंच गए हैं अपने घर पे। थकान हो गई थी थोड़ा सा क्योंकि चढ़ाई बहुत थी, आपको आपने खुद देखा वीडियो में, आप देखेंगे कि बहुत चढ़ाई थी। ऑलमोस्ट मतलब 20 से 25 मिनट हमको ज़्यादा ही लगा होगा, मेरे ख्याल से 30 से 35 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, इतना करीब लग गया, इतना चढ़ाई थी। तो वैसे तो बहुत अच्छा ट्रिप रही हमारी क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए, इससे बढ़ के क्या चाहिए। नवरात्र लगे हुए थे, नवरात्र के टाइम पर भगवान के दर्शन, ये तो हम भाग्यशाली हैं जो हमें इस टाइम पे गए। और अब हम घर पहुंच गए, अब उतनी चढ़ाई के सामने, ये चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।